हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास शर्मा और स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है वन फॉर ऑल। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप ITR पोर्टल यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न का जो पोर्टल है, अगर उसको आप इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर आपको टाइमली अपना पासवर्ड जो है वो चेंज करते रहना चाहिए सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने जब लॉगिन किया था हमने तो वहाँ पर देखा होगा कि एक सिक्योर एक्सेस मैसेज भी होता है जो हम हर अकाउंट के साथ एसोसिएट करते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने जो अपना सिक्योर एक्सेस मैसेज था वो अभी तक अपडेट नहीं किया है तो आपको उसे भी जो है रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए। तो हम उस मैसेज को किस तरीके से आज चेंज कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं, ये आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो फ्रेंड, सबसे पहले क्या करेंगे, आपको ITR पोर्टल में लॉगिन करना है। तो उसके लिए आप कोई भी एक ब्राउज़र ओपन अप कर लीजिए और जिस तरीके से हम यहाँ पर हमेशा लॉगिन करते हैं आप लॉगिन कर सकते हैं। आपको टाइप करना है इनकम टैक्स लॉगिन और उसके बाद जो सबसे पहले वेबसाइट आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी eportal.incometax.gov.in, इसे आपको यहाँ से ओपन अप कर लेना है। जैसे ही दोस्तों ये वेबसाइट ओपन अप होगी तो मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पर अपने पैन कार्ड या आधार कार्ड से लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर हम चलिए अपने पैन कार्ड से लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी डाल दी है जो कि हमारा पैन का नंबर है। उसके बाद हम यहाँ पर इसे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर हमारा एक मैसेज हमें शो कर रहा है। हम इसी सिक्योर एक्सेस मैसेज को यहाँ से आज चेंज करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें पहले यहाँ पर लॉगिन करना होगा। तो आप इसके लिए इसे सबसे पहले टिक कर लीजिए जैसा हमेशा करते हैं और उसके बाद अपना पासवर्ड यहाँ पर डाल लीजिए। तो यहाँ पर हम अपना पासवर्ड एंटर कर लेते हैं। दोस्तों, पासवर्ड हमने यहाँ पर डाल लिया है। दोस्तों, अब इसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने पासवर्ड डाला, हम यहाँ पर लॉगिन कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पर अपना सिक्योर एक्सेस मैसेज जो है दोस्तों उसे अपडेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो आपका अकाउंट नेम दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना है एक बार। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन दिखाई देगा माई प्रोफाइल का, इसे आपको टिक करना है। तो चलिए इसे ओपन अप करते हैं। इसे ओपन अप करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी आपकी प्रोफाइल की। तो यहाँ पर हमें चेंज करना है अपना सिक्योर एक्सेस मैसेज। तो उसके लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है सिक्योर एक्सेस मैसेज, आपको यहीं पर क्लिक करना है। दोस्तों, अगर आपको ये यहाँ पर नहीं शो करता है तो आप इसे स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करके भी देख सकते हैं। तो चलिए इसे यहाँ से ओपन अप कर लेते हैं। इसे ओपन अप करने के बाद दोस्तों, हमारा जो करंट सिक्योर एक्सेस मैसेज है वो हमें यहाँ पर शो कर रहा है। तो हम इसे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें एडिट का एक ऑप्शन दिया गया है, तो हमें इस पर क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद अब ये जो ऑप्शन है दोस्तों, ये ओपन अप हो गया है और हम यहाँ पर अपना नया सिक्योर एक्सेस मैसेज लिख सकते हैं। तो चलिए अपना नया सिक्योर एक्सेस मैसेज यहाँ पर डाल लेते हैं। तो दोस्तों, हमने अपना नया सिक्योर एक्सेस मैसेज यहाँ पर डाल दिया है। अब इसके बाद हमें इसे सेव करना है और सेव करते ही हमारा ये एक्सेस मैसेज जो है अपडेट हो जाएगा, जो पहले था उससे चेंज होकर के वो हो जाएगा जो हमने अभी यहाँ पर एंटर किया है। तो चलिए सेव पे क्लिक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे हमने सेव पे क्लिक किया है तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन हमें शो कर रहा है कि सिक्योर एक्सेस मैसेज अपडेटेड सक्सेसफुली, ट्रांजेक्शन ID भी हमें शो कर रहा है। तो यानी कि अब आपका सिक्योर एक्सेस मैसेज चेंज हो चुका है। तो एक बार हम जा कर के देख लेते हैं इसे लॉगआउट करके, यहाँ से हम लॉगआउट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने लॉगआउट कर लिया है। अब एक बार फिर से लॉगिन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम फिर से एक बार अपना पैन नंबर डाल लेते हैं। दोस्तों, पैन नंबर हमने डाल लिया है, अब कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो मैसेज है वो अब चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। और पहले जो हमारा मैसेज था वो दूसरा था। तो दोस्तों, इस तरीके से आप ITR पोर्टल पर जा कर के अपना जो सिक्योर एक्सेस मैसेज है उसे ईजिली चेंज या अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के लिए बेनिफिशियल होगा तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।